morning, students. Today, in this class, we are going to read the English of class 2. So, in this class, we are going to read the grammar part of your English. आज की क्लास में हम ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों. हम लोगों ने इंग्लिश के लिटरेचर पार्ट को ऑलरेडी फिनिश कर लिया है. आप लोग की बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी एक्सरसाइजेस को कराया जा चुका है. और बच्चों अब हमें फिनिश करना है अपने ग्रामर के पार्ट को. तो चलिए हम ग्रामर के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं. तो आज की ग्रामर की क्लास में आप नेम ऑफ, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेम ऑफ, ओके, फलों के जो नाम है हम उनको नेम ऑफ फ्रूट्स को पढ़ने जा रहे हैं, फलों के नाम को पढ़ने जा रहे हैं. ओके तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. तो यहाँ पर जो वर्ड लिखे हुए हैं आप सभी देख सकते हैं क्या क्या नेम्स लिखे हुए हैं. तो बोर्ड में आपके जो फर्स्ट फ्रूट का नेम लिखा हुआ है दैट इज योर फिग, एफ आई जी, फिग दैट मीन्स अंजीर. सी एन यू एम प्लम होता है. स्ट्रॉबेरी मीन्स होता है झरबे. नेक्स्ट के आई वी आई कीवी, कीवी का मीन्स होता है कीवी. नेक्स्ट पाइनएप्पल सी आई एन ई ए टी पी एल ई पाइनएप्पल. पाइनएप्पल मीन्स होता है अनानास. नेक्स्ट पियर पी ई ए आर पियर. पियर मीन्स होता है नाशपाती. पी आर ओ एम ई जी आर ए एन ए टी ई प्रोमोग्रेनेट होता है अनार. लेमन एल ई एम ओ एन लेमन. लेमन में होता है नींबू. नेक्स्ट इज स्वीट लाइम एस डब्ल्यू ई टी एल आई एम ई स्वीट लाइम. स्वीट लाइम में होता है मौसमी. नेक्स्ट गुड एप्पल डब्ल्यू ओ ओ डी ए सी पी एल ई गुड एप्पल. गुड एप्पल में होता है बेल. चलिए अब कुछ और नेम ऑफ दी फ्रूट को हम देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों नेम ऑफ दी फ्रूट्स को. ओके केला. नेक्स्ट मैंगो एम ए एन जी ओ मैंगो. क्या है बच्चों मैंगो. ओके मैंगो मीन्स होता है आम. आपको पता है आम फलों का राजा होता है. ठीक है. नेक्स्ट ऑरेंज ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज. इसको हम बोलते हैं ऑरेंज. ओके इट्स प्रोनंसिएटेड एज अ रेंज. ऑरेंज मीन्स होता है संतरा. इसको हम बोलते हैं और इसको हम क्या सकते हैं क्या लेमन. ओके नेक्स्ट पाया पी ए आई पपाया. इज इट विजिबल टू यू ऑल पपाया. पपाया मीन्स होता है पपीता. और जो नेम्स ऑफ द फ्रूट्स हैं उनको देखते हैं और कौन से नेम्स ऑफ द फ्रूट्स हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो और कौन से नेम्स ऑफ द फ्रूट्स हैं. हमने पपाया भी पढ़ लिया. तो चलिए अब बात करते हैं किसकी. ग्वावा जी यू ए वी ए ग्वावा. ओके
वावा मीन्स होता है अमरूद. नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका है दैट इज योर ग्रेप. GREPES. क्या लिखा हमने? ग्रेप. ग्रेप का मीन्स क्या होता है? अंगूर. राइट. चलिए नेक्स्ट नेम ऑफ द फ्रूट है आपका क्या? नेक्स्ट नेम ऑफ द फ्रूट है कोकोनट. COCONUT. ओके. कोकोनट. कोकोनट मीन्स होता है नारियल. कोकोनट मीन्स होता है नारियल. ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट नेम देखते हैं तो और आप क्या लिख सकते हैं? वॉटर मेलॉन. WATERMELON. ओके. वाटर वाटर उसके बाद में क्या है? मेलोन. ओके. वाटर मेलॉन जो कि बहुत ही कैसे होता है? लाइक अ फुटबॉल. ओके. वाटर मेलॉन दैट मीन्स तरबूज. ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट यू कैन राइट है डेट. DATE. डेट. और डेट का मीन क्या होता है? खजूर. ओके. तो ये हैं हमारे नेम्स ऑफ द फ्रूट. ओके. तो हमने क्या क्या पढ़ा? एप्पल APPLE. एप्पल मीन पेड़. बनाना BANANA. बनाना मीन केला. मैंगो MANGO. मैंगो मीन आम. ऑरेंज OIANGE. ऑरेंज. ऑरेंज मीन होता है संतरा. पपाया PAPAYA. पपाया मीन होता है पपीता. नेक्स्ट नेम है गुआवा. GUAVA. गुआवा मीन अमरूद. ग्रेप GRAPES. ग्रेप मीन अमरूद. ओके. COCONUT. कोको नट. कोकोनट मीन्स होता है नारियल. वॉटर मेलॉन WATERMELON. वॉटर मेलॉन मीन्स होता है तरबूज. ओके. नेक्स्ट डेट DATE. डेट. डेट मीन्स होता है खजूर. ओके. तरबूज और खजूर. ठीक. तो ये थे हमारे आज 20 नेम्स ऑफ द फ्रूट. ओके. 20 नेम्स ऑफ द फ्रूट आपको आज ग्रामर के पार्ट में बताया जा चुका है. चलिए आप थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर लेते हैं. देखते हैं आप लोग की बुक में देखते हैं आप लोग इसमें क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. और कुछ एक्सरसाइज हम नेम्स ऑफ द फ्रूट के साथ में करेंगे. देन आई विल टेल यू अबाउट योर होमवर्क. और उसके बाद में आपको आपके होमवर्क के बारे में बताया जाएगा. ओके. तो पहला जो आप लोग इसमें कर सकते हो फिल इन द ब्लैंक. फिल इन द ब्लैंक. तो फिल इन द ब्लैंक में नेम ऑफ द फ्रूट से गई है. यहाँ पर देखिए जो आपका फर्स्ट नेम ऑफ द फ्रूट हम करने जा रहे हैं दैट इज ए डैश डैश L E. B में dash A N dash N A. Then C में C dash E R R Y. Then उसके बाद में क्या कर सकते हैं? O dash A N dash E. ओके. नेक्स्ट करते हैं इसी में सिमिलरली. चलो हम क्या कर सकते हैं इसमें और ज्यादा? चलिए लिखते हैं जी आर डैश पी डैश. ओके. तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज. ओके. तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो आप लोग का लिखा हुआ दैट इज A P P N E. एप्पल. नेक्स्ट B A N A N A. बनाना. नेक्स्ट C H
E R Y cherry. O R A N G E orange. G R A P E F green. Okay. अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग. तो अब हमें यहाँ पर करनी है मैचिंग. इसको हम देखते हैं कैसे करनी है मैचिंग. तो ये है आपका मैच करने के लिए. तो देखते हैं हमने यहाँ पर क्या किया है. हमने यहाँ पर टू कॉलम्स बनाए हुए हैं. फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ द फ्रूट्स है, सेकंड कॉलम में भी नेम ऑफ द फ्रूट्स है. हमें क्या करना है, हमें फॉर एग्जांपल एप्पल को एप्पल से मैच करना है, राइट. तो हमने ऐसे मैच कर दिया, ठीक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी करना. तो अब नेक्स्ट जो हमारा नेम ऑफ द फ्रूट है, दैट इज डेट. डी ए टी ई. डेट मीन्स खजूर. तो खजूर को हमें डेट से मैच कर देना है. तो डेट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है. नेक्स्ट है चेरी. सी एच ई आर आर वाई चेरी. तो चेरी को हमें चेरी से मैच करना है. ओके ये हो गया चेरी. नेक्स्ट बनाना. ओके तो बनाना को हमें बनाना से मैच करना है. ओके तो चलिए मैचिंग करते हैं. बनाना को मैच कर दिया बनाना से. नेक्स्ट वाटर मेलॉन. तो वाटर मेलॉन को हमने मैच कर दिया वाटर मेलॉन से. ओके तो बच्चों ये है हम लोगों का मैथमेटिक्स और फिल द ब्लैंक. तो नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क. तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आज आपको जो नेम ऑफ द फ्रूट 20 नेम ऑफ द फ्रूट लिखाए गए हैं और रिपीट कराए गए हैं, आपको उसको याद करना है और अपनी नोटबुक में उसको लिख लेना है. सी यू इन अवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच बच्चों. हैव अ गुड डे अहेड. टेक केयर.